हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आप सबको पता है, हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग की सीरीज चल रही है, जिसमें आज हम अपना नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं, जो कि है एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट। इसके पहले हम लोग एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट का मतलब देख लिए थे। आज हम लोग इसमें देखेंगे कि कॉस्ट के कौन कौन से एलिमेंट्स होते हैं। तो बेसिकली जो हमारा कॉस्ट होता है, उसके तीन एलिमेंट्स होते हैं, मटेरियल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट और एक्सपेंसेस। अब मटेरियल कॉस्ट भी फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। लेबर कॉस्ट जो हमारा होता है, वो भी दो पार्ट में डिवाइड होता है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट। और जो हमारा एक्सपेंसेस होता है, वो भी हमारे दो पार्ट में डिवाइड होते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और ओवरहेड, हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को ओवरहेड्स के नाम से भी जानते हैं। तो बेसिकली ये हमारे एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट होते हैं। ठीक है, आप इसको एक बार लिख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि हमारे जो कॉस्ट के एलिमेंट होते हैं, वो तीन पार्ट में डिवाइड होते हैं और उसके भी फर्दर टू टू पार्ट्स होते हैं, सब पार्ट्स। तो आइए हम इनको डिटेल में पढ़ लेते हैं सारे का मतलब। तो पहला जो हमारा है, वो है हमारा मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट का मतलब क्या है? इट रिफर्स टू द कॉस्ट ऑफ द मटेरियल दैट इज सप्लाई टू द मैन्युफैक्चरिंग यूनिट फॉर प्रोड्यूसिंग द फिनिश प्रोडक्ट। Example, cost of thread, nails, shoe polish, leather supplied to an undertaking engaged in production of shoes constitute material cost. Material cost देखिए, वो सारे खर्चे होते हैं जो कि, मान लीजिए कोई एक manufacturing company है जो किसी भी चीज़ का manufacturing करती है, finished product में उसको convert करती है। तो जब किसी भी चीज़ को finished product में वो convert करती है, तो उसके लिए उसको छोटे छोटे materials की चीज़ों की ज़रूरत होती है, और उसी मटेरियल को ख़रीदने के लिए जो कॉस्ट इनकर्ड होता है, हम लोग उसको मटेरियल कॉस्ट कहते हैं। एक एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है, जैसा कि मान लीजिए एक कोई कंपनी है जो कि शू का मैन्युफैक्चरिंग करती है, जो शूज़ बनाती है, तो उसके लिए उसको क्या चाहिए? धागा चाहिए, नेल्स चाहिए, शू पॉलिश चाहिए, लेदर चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें बेसिकली चाहिए अगर उसको एक शूज़ बनाना है। तो ये जो सारे मटेरियल हैं, इनको ख़रीदने के पीछे जो उसका कॉस्ट इनकर्ड होगा, वही हमारा मटेरियल कॉस्ट कहलाता है। ओके, अब देखिए, मटेरियल कॉस्ट के दो पार्ट थे, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट और इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। आइए इनका मतलब देख लेते हैं। तो पहला जो है, वो हमारा है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इज़ द कॉस्ट ऑफ दोज मटेरियल दैट कैन बी ईजली आइडेंटिफिएबल इन द फिनिश प्रोडक्ट। एग्जाम्पल, कॉस्ट ऑफ लेदर इन शूज़, कॉस्ट ऑफ ग्लास इन मिरर, कॉस्ट ऑफ आयरन इन मशीनरी। देखिए, जब हमारा फिनिश प्रोडक्ट बन के तैयार हो जाता है, तो जो भी चीज़ें डायरेक्टली, जो भी ऐसे मटेरियल हैं जिनका डायरेक्टली हम लोग कॉस्ट फाइंड आउट कर सकते हैं उसमें से, उसको हम लोग डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट बोलते हैं। जैसे कि हम शूज़ बनाए, तो शूज़ किस चीज़ से बनाए? लेदर से बनाए, तो लेदर का डायरेक्ट हम लोग कॉस्ट निकाल लेंगे। ठीक है, अब हम मान लीजिए हम लोग मिरर बनाए, तो मिरर किस चीज़ से बनाए? ग्लास से बनाए, तो ग्लास का डायरेक्ट हम लोग कॉस्ट निकाल सकते हैं। मशीन बनाए, तो मशीन किस चीज़ से बनाए? आयरन से बनाए, तो उस आयरन का डायरेक्ट हम लोग कॉस्ट निकाल सकते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हमारी हो गई, जैसे कि शूज़ में लेदर, मिरर में ग्लास और मशीनरी में आयरन, ये सारे हमारी तीनों चीज़, लेदर, ग्लास और आयरन, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट हो गए। अब जो आपका नेक्स्ट स्टेप, वो है इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इज़ द कॉस्ट विच इज़ नॉट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द फिनिश प्रोडक्ट। दीज कॉस्ट आर नॉट एब्जॉर्ब्ड और अप्रोप्रिएट अपोर्शन बाय द कॉस्ट यूनिट और कॉस्ट सेंटर डायरेक्टली। जैसे कि फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी नीडेड फॉर जनरेटिंग पावर, मटेरियल कंज्यूम फॉर रिपेयर वर्क। अब जैसे देखिए, कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो कि डायरेक्टली उस फिनिश प्रोडक्ट में यूज़ नहीं किए जाते हैं, लेकिन वो इनडायरेक्टली यूज़ किए जाते हैं उस फिनिश प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, मैन्युफैक्चर करने के लिए। अब एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए कोई शूज़ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ठीक है, वो तो जो उसके लिए लेदर यूज़ कर रही है, वो उसका डायरेक्ट मटेरियल हो गया, लेकिन जो वो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी यूज़ कर रही है, जो भी पावर यूज़ कर रही है, फ्यूल यूज़ कर रही है, ठीक है, वो सारे चीज़ें भी मदद कर रही हैं उस शूज़ को प्रोड्यूस करने में, मैन्युफैक्चरिंग करने में। इसलिए वो जो सारे हमारे खर्चे हैं, एक्सपेंसेस हैं, वो हमारे इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट में आते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा फ्यूल हो गया, इलेक्ट्रिसिटी हो गया, ठीक है, हम अगर पावर जनरेट कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम लाइट यूज़ कर रहे हैं, तो वो लाइट को जनरेट करने के लिए हमें क्या फ्यूल की ज़रूरत पड़ रही है, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ रही है, तो वो सारे चीज़ों के पीछे भी खर्चा आता है। तो वो जो सारे खर्चे होते हैं, वो हमारे इनडायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट के अंदर आते हैं। ठीक है, अब जैसे नेक्स्ट है आपका लेबर कॉस्ट। तो आइए देख लेते हैं लेबर कॉस्ट क्या होता है।
लेबर कॉस्ट रिफर्स टू द कॉस्ट ऑफ रेम्यूनरेशन ऑफ द वर्कर्स employed in an organization. It includes the amount of wages, salaries, perquisite, allowance, etc. जैसे कि salary paid to workmen, commission paid to agent. Labor cost, जैसा कि नाम से ही समझ में आ रहा है, जो एक company में, एक factory में जो भी laborers होते हैं हमारे, ठीक है, जो भी workmen होते हैं, जो वहाँ पर work करते हैं, उनके पीछे जितने भी तरीके के खर्चे आते हैं उनको हम लोग लेबर कॉस्ट बोलते हैं. अब जैसे कि एक हमारा एम्प्लॉय है, उसको हम लोग वेजेस देंगे, सैलरी देंगे, अलाउंसेस देंगे, कमीशन देंगे, ठीक है. तो वो जितने भी सारे खर्चे हैं जो एक कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ के पीछे करती है वो लेबर कॉस्ट कहलाता है. जैसे कि वो क्या करेगी, अपने वर्कमैन को, जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं, उनको सैलरीज देगी, और जो भी उसके एजेंट हैं उनको कमीशन देगी. तो ये जो भी हमारा सैलरी और कमीशन हो गया, ये हमारा लेबर कॉस्ट हो गया. अब हम लोग पढ़े थे कि लेबर कॉस्ट भी दो तरीके के होते हैं, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट. तो आइए इसका मतलब देख लेते हैं. पहला जो है वो हमारा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट. दीज आर ऑल्सो नोन एज डायरेक्ट वेजेस. दीज कॉस्ट कैन बी आइडेंटिफाइड विथ एन एलोकेटेड टू कॉस्ट सेंटर ऑफ कॉस्ट यूनिट. एग्जाम्पल, वेजेस पेड फॉर स्पाइनिंग यार्न इन अ स्पाइनिंग मिल, वेज पेड टू ड्राइवर एंड कंडक्टर ऑफ अ बस. ठीक है, जैसा कि बोला जा रहा है, जो भी खर्चे डायरेक्ट लेबर पे किए जाते हैं, एम्प्लॉयज़ पे किए जाते हैं, वो हमारे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट होते हैं. ऐसे कि कोई फैक्ट्री में हमारे वर्कर्स वर्क कर रहे हैं, उनको डायरेक्ट वेजेस या सैलरी दी जा रही है, तो वो हमारा डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कहलाएगा. अब हमारा इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या है? दिस आर ऑल्सो नोन एज इनडायरेक्ट वेजेस. इसको हम लोग इनडायरेक्ट वेजेस भी बोलते हैं और डायरेक्ट लेबर को डायरेक्ट वेजेस भी बोलते हैं. इनडायरेक्ट रिफर्स टू दैट पार्ट ऑफ लेबर कॉस्ट विच इज़ नॉट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू द कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट यूनिट. जैसे कि सैलरी पेड टू द मैनेजर, सैलरी पेड टू द गार्ड ऑफ द ऑफिस. ठीक है, अब जैसे कि जो हमारे ऐसे खर्चे होते हैं जिनको हम लोग डायरेक्टली उस लेबर पे खर्चा नहीं करते हैं. अब हमारा जैसे एक एग्जांपल हो गया, मान लीजिए हम लोग मैनेजर को सैलरी दे रहे हैं, तो वो हमारा क्या हो गया, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट हो गया. जो हम ऑफिस में अपने गार्ड रखे हैं उनको हम लोग जो सैलरी दे रहे हैं, तो वो सब हमारा क्या हो गया, इनडायरेक्ट लेबर कॉस्ट हो गया. ठीक, नेक्स्ट आपका था एक्सपेंसेस. एक्सपेंसेस क्या है? एक्सपेंसेस रिफर्स टू द कॉस्ट ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड टू एन अंडरटेकिंग एंड द नेशनल कॉस्ट ऑफ द यूज ऑफ द एसेट्स ओन बाय द बिजनेस हाउस. एग्जाम्पल, डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी एटसेट्रा. एक्सपेंसेस नाम से ही समझ में आ रहा है, खर्चे. खर्चे किस चीज़ पे होंगे? कंपनी, जो भी हमारी फैक्ट्रीज है वहाँ पे जो भी मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी, इक्विपमेंट, मशीन्स यूज़ किए जा रहे हैं, उन चीज़ों पे क्या होगा, किसी ना किसी तरीके का डेप्रिसिएशन चार्ज होगा, उनकी वैल्यू कम होती जाएगी. तो वही जो हमारा उस प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू कम हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सपेंसेस बोलेंगे. ठीक है, अब एक्सपेंसेस भी हम लोग पढ़े थे कि दो तरीके के होते हैं, एक हमारा होता है डायरेक्ट, एक हमारा होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस. हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को ओवरहेड्स भी बोलते हैं. तो पहले हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में पढ़ लेते हैं. These expenses are also called chargeable expenses. These expenses can be directly identified to the cost center or cost unit. ये जो expenses होते हैं इनको हम लोग chargeable expenses भी बोलते हैं, और जो भी हमारे cost center होते हैं, cost unit होती है, ये इनको, इन expenses को direct identify कर लेते हैं. ऐसे कि example हो गया, import duty, octroi duty, carriage and freight paid on direct material purchase. जब आप कुछ सामान परचेस कर रहे हो तो उसके लिए आपको जो भी फ्रेट या कैरेज पे करना पड़ता है, जब भी आप कहीं बाहर से कोई सामान मंगाते हो तो उसके लिए आपको इंपोर्ट ड्यूटी पे करना होता है. तो वो जो सारे आपके खर्चे होते हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं. किसी भी चीज़ को मंगाने के लिए जब आप जो खर्चा डायरेक्टली करते हो वो आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाता है. इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी ओवरहेड्स. Expenses which cannot be allocated to the cost center of unit but can be appropriated by them are known as overhead or indirect expenses. ऐसे खर्चे जो कि हम लोग डायरेक्टली उस प्रोडक्ट पे नहीं करते हैं, उन चीज़ों को मंगाने पे नहीं करते, उनको हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस या ओवरहेड्स भी बोलते हैं. जैसे कि हम लोग रेंट दे रहे हैं, रेट्स दे रहे हैं, टैक्स दे रहे हैं, मशीन का अगर रिपेयर कराना है तो वो, फैक्ट्री में जो लाइट यूज़ कर रहे हैं, ऑफिस में जो लाइट यूज़ कर रहे हैं, हमारा डेप्रिसिएशन हो गया, हमारा प्लांट एंड मशीनरी का कोई इंश्योरेंस है वो, ठीक है, हमारे शोरूम का, बिल्डिंग का जो भी इंश्योरेंस है, डेप्रिसिएशन है, ये ऐसे सारे खर्चे हमारे इनडायरेक्ट
एक्सपेंसेस में आते हैं, जो कि हम लोग डायरेक्टली तो नहीं करते हैं वो खर्चा, लेकिन इनडायरेक्टली उसका कहीं ना कहीं रोल होता है हमारे फिनिश प्रोडक्ट को रेडी करवाने में। ठीक, अब देखिए ये जो हमारा ओवरहेड्स होता है ना, ये तीन तरीके का होता है। पहला तो आपका होता है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, दूसरा होता है फैक्ट्री ओवरहेड्स, और तीसरा होता है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। ठीक, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस यानी ओवरहेड्स के बारे में तो हम लोग पढ़ लिए हैं, यहाँ पे उसके एग्जांपल भी देख लिए। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग टाइप्स देखेंगे कि ओवरहेड्स जो होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं। तो बेसिकली हमारे ओवरहेड्स तीन तरीके के होते हैं, आइए तीनों के बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं। पहला जो है वो है हमारा फैक्ट्री ओवरहेड्स। इट इंक्लूड्स ऑल द इनडायरेक्ट कॉस्ट इनकर्ड इन फैक्ट्रीज इन रिस्पेक्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन, कॉस्ट ऑफ लुब्रिकेटिंग ऑयल, कोल, गैस एंड फ्यूल एटसेट्रा। वो जितने इन वो सारे इनडायरेक्ट खर्चे जो कि फैक्ट्री में होते हैं, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, फैक्ट्री है, वो किसी भी चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, तो उसके लिए क्या कर रही है, जितने भी इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं उसको हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड्स में काउंट करते हैं। जैसे कि ऑयल, कोल, गैस, फ्यूल, ये सबको निकालने का खर्चा होता है, ये हमारे सारे फैक्ट्री ओवरहेड्स के अंदर आते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। इट इंक्लूड्स ऑल द इनडायरेक्ट कॉस्ट रिलेटिंग टू डायरेक्ट गाइडेंस, मैनेजमेंट, कंट्रोल एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ बिजनेस कंसर्न। जितने भी हमारे बिजनेस में खर्चे होते हैं, इनडायरेक्टली खर्चे होते हैं, वो हमारे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स में आते हैं। ठीक है, बिजनेस से रिलेटेड जितने भी खर्चे होते हैं वो हमारे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड में आते हैं। जैसे कि हम लोग मैनेजर को सैलरी दे रहे हैं, इंश्योरेंस करा रहे हैं, ठीक है, ये जो भी हमारे सारे खर्चे हैं वो हमारे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स में आएंगे। नेक्स्ट है आपका सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। दिस इंक्लूड्स ऑल इनडायरेक्ट कॉस्ट विच आर इनकर्ड फॉर प्रमोटिंग द सेल्स, रिटेनिंग द कस्टमर, प्रोवाइडिंग आफ्टर सेल सर्विसेज टू द कंज्यूमर। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड का मतलब है जब कंपनी अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, अपने कस्टमर को बचाए रखने के लिए, सेल्स आफ्टर सेल सर्विस प्रोवाइड करने के लिए जो भी खर्चे करती हैं उसको हम लोग सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड बोलते हैं। जैसे कि कंपनी क्या करती है, एडवर्टाइजमेंट में खर्चा करती है, जो भी वो सेल्स मैनेजर रखी रहती है उसको सैलरी देती है, तो वो जो भी सैलरी हो गई या वो जो भी एडवर्टाइजमेंट करा रही है अपने प्रोडक्ट का, अपने ऑफिस का, अपने कंपनी का, वो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स में काउंट होता है। तो फ्रेंड्स ये टॉपिक हमारा यहीं तक था, ये टॉपिक हमारा ख़त्म होता है। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट हम पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं विथ एग्जांपल भी। आप इसको अच्छे से रीडिंग करिए, अच्छे से इसका नोट्स बना लीजिए, या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। और उसके बावजूद अगर किसी भी स्टूडेंट्स को इस सब्जेक्ट या किसी भी सब्जेक्ट के नोट्स चाहिए तो वो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकता है। थैंक यू वेरी मच। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल।